कोरोना ने पंजाब को जकड़ लिया। सूबे में मजीद 622 नए केसेस सामने आ गए। मरीजों की मजमुई तादाद 11,093 तक जा पहुंची। लाहौर में 4,375 अफराद मरज का शिकार। जैसे ही मुझे पता लगा मेरा टेस्ट पॉजिटिव है, तो पहले भी मैंने अपने आप को आइसोलेशन में रखा हुआ था, अभी भी मैंने अपने आप को आइसोलेशन में रखा हुआ है। मैं तमाम SOPs को फॉलो कर रहा हूँ और जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं मैं वो भी ले रहा हूँ। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मस्बत आ गई। दोस्त मोहम्मद मजारी ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। उनका कहना है कि कोरोना की अलामत जाहिर नहीं हुई। पुलिस कोरोना के निशाने पर, SSP इन्वेस्टिगेशन में वायरस की तस्दीक। जीशान असगर करंतीना मुंतकल न हुए। DIG SPCIA का भी टेस्ट कराने का फैसला। एक्सपो करंतीना सेंटर में सबांजी फासले नजरअंदाज। मरीज वक्त गुजारने के लिए ग्रुप्स बनाकर लूडो और ताश खेलने लगे। डांस भी शुरू कर दिया। हुकाम ने सूरत हाल को नजरअंदाज कर दिया। कोरोना अलामत का हामिल मरीज होम करंतीना हो सकेगा। SOP जारी। घर के कमरे अफराद का तनासुब देखकर होम आइसोलेशन की इजाजत दी जाएगी। शहरी देही सतह पर कमेटीज बनाने का फैसला। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की कोरोना के इलाज के लिए इंस्पेक्शंस और मुआवनत। 52 निजी अस्पतालों में तैयारियां मुकम्मल। लाहौर के 21 अस्पताल भी शामिल। निजी लेबोरेटरीज में टेस्ट भी जारी। हजाम की दुकानें, जिमनेजियम, छोटे स्टोर कल से खुलेंगे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की मार्केट्स खुलेंगी। तमाम फैक्ट्रीज और एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री को काम करने की इजाजत। पंजाब में लॉकडाउन में 31 मई तक तौसी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट्स, होटल, सिनेमा हॉल्स, तालीमी इदारे बंद। जनरल स्टोर, ग्रॉसरी स्टोर शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। हुकूमत ने कारोबार खोल दिए, अब ताजरों को जिम्मेदारी निभानी है। सदर लाहौर चैंबर की SOPs पर अमल दरामद की अपील। कहा SOPs पर अमल न किया तो दोबारा लॉकडाउन हो सकता है। लॉकडाउन में नरमी, वजीर आला का SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कहा कोरोना के खतरात बदस्तूर मौजूद, SOPs के खिलाफ वर्जी करने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। DIG ऑपरेशंस की जेरे सदारत SPs का इजलास। कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने की हिकमत अमली पर गौर। कल से मार्केट्स में SOPs पर अमल दरामद के लिए इकदाम की हिदायत। PMA ने लॉकडाउन में नरमी का फैसला मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से नजरसानी की अपील। कहा कोरोना मुल्क भर में तेजी से फैल रहा है, हुकूमत SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए। चीन से इमदादी सामान लेकर PIA का तैयारा कल लाहौर आएगा। एयरपोर्ट पर खसूसी इंतजाम। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार, चीनी काउंसिल जनरल और सिफारती अमला एयरपोर्ट जाएगा। हुकूमत ने सेहत के शोबे तबाह करके रख दिए। मरियम औरंगजेब के वजीर आजम पर लफ्जी बाउंसर्स। अजमा बुखारी की भी कड़ी तनकीद। कहा माल बनाओ, वजरा की कारकर्दगी सिफर है। तर्जमान मरियम औरंगजेब राणा सदौला ने नाशा जाने आगर तेरा के मजदार की बयान दिया कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस के हवाले से कोई सहूलत, सेहत के हवाले से नाकाफ़ी सहूलियात के जिम्मेदार वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब हैं। मैं ये समझता हूँ कि मरियम औरंगजेब और राणा सदौला ने गोयबल्स की, मैकावली की और झारखंड की सियासत को जिंदा किया है।
कोरोना आले शरीफ की कारकर्दगी सामने ले आया। वजीर इत्तला'आत के जवाबी वार, कहा साबिक अदवार में कोई अस्पताल नहीं बनाया गया। लीगी तर्जमान नाच न जाने आंगन टेढ़ा की मिसाल। ऑपोजिशन के पास बेबुनियाद तनकीद के सिवा कुछ नहीं, झूठ बोलना कौम को गुमराह करना उनका वतीरा है। एजाज चौधरी कहते हैं वजीर आजम अवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए इकदामात कर रहे हैं। पेट्रोल सस्ता होने से अवाम को कोई फायदा ना पहुंचा। रमजानुल मुबारक में महंगाई का तूफान, सब्जियां फल सब कुछ महंगा, सब्ज मसाला जात भी पहुंच से बाहर, कोई पूछने वाला नहीं। सूबाई वजीर कानून चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत इजलास, गिरा फरोशी गंदम खरीदारी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदामात की हिदायत। अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर का महमूद बूटी का दौरा, मुस्तहकीन अफराद में राशन की तकसीम का जायजा। ख्वाजा इमरान नजीर का कहना है मुस्तहक अफराद की मदद शरई कौमी जिम्मेदारी है। पाबंदी के बावजूद शहर में पतंगबाजी का खूनी खेल जारी। बंद रोड पर 18 साल नौजवान गले में डोर फिरने से जा भाग। नौजवान की शिनाख्त उस्मान के नाम से हुई। वजीर आला का डोर फिरने से नौजवान की हलाकत का नोटिस, सीसीपीओ से रिपोर्ट तलब। वाकये के बाद एसएचओ थाना इस्लामपुरा नसरुल्ला खान चट्ठा मौतल, लाइन हाजिर कर दिया गया। सीसीपीओ लाहौर का पतंगबाजों पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। जुल्फिकार हमीद ने कहा पतंगबाजी और इससे मुंसलिक अफराद से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। मुआशी परेशानी या फिर वजह कुछ और, चूंक के इलाके में शराज नामी नौजवान ने खुदकुशी कर ली, पुलिस ने लाश मुर्दाखाने मुंतकल कर दी। वाकये की मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश। इन्वेस्टिगेशन पुलिस हंजरवाल की कार्रवाई, अगवा के मुकदमे में 2 साल से मतलूब इश्तिहारी गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिम इमरान ने 35 साल शहरी वकास अहमद को अगवा किया था। तेज रफ्तारी ने कई जिंदगियां दांव पर लगा दी। मांगा मंडी में निजी फैक्ट्री की बस तेज रफ्तारी के बायस रोही नाला में जा गिरी, 6 अफराद शदीद जख्मी, मकामी अस्पताल मुंतकल। डीआईजी के अहकामात के बावजूद पुलिस की तफ्तीश सुस्त रवि का शिकार। लाहौर रंग के रिपोर्टर शकील जाहिद की चोरी होने वाली गाड़ी का कई रोज गुजरने के बावजूद सुराग ना मिला। मेरे पास घड़ी नहीं है। बट हू आर यू? मेरा नाम तहमीना है। मैं एक रिसाले से वाबस्ता हूँ, इस पाइप में रहते हैं। जी हाँ हाँ, और कहाँ रह सकता है मुझ जैसा बेरोजगार आदमी। यू नो आई बिलोंग टू ए सीजनेबल फैमिली, बट नो जॉब, दिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल ऑफ द ह्यूमन बीइंग, यू सी। चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाला एक और अदाकार बिछड़ गया। मारूफ ड्रामा निगार कॉमेडियन और शायर अथर शाह खान उर्फ जेदी खालिक़े हकीकी से जा मिले। सोशल मीडिया सार्फिन का खराज अकीदत। कॉमेडियन अथर शाह खान का इंतकाल। वजीर आला उस्मान गुजार, वजीर इत्तला'आत फैयाज़ुल हसन चौहान, सीनियर सूबाई वजीर का इजहार ताज़ियत। कहा अथर शाह खान की वफात से मिजाह का एक अहद खत्म हो गया। जिसके कदमों तले जन्नत, जिसके दिल में औलाद के लिए मोहब्बत। आज दुनिया के अजीम रिश्ते से मोहब्बत के इजहार का दिन। अजीम हस्ती माँ की अजमत को सलाम। खराज तहसीन पेश।
माँ से मोहब्बत आलमगीर जज्बा है, वजीर आला उस्मान बुज़दार का माओ के आलम दिन पर पैगाम। राजा बशारत बोले कि वो वतन की खातिर शहीद होने वाले सपूतों की माओ को सलाम पेश करते हैं। पाक फजाया ने मदर्स डे के हवाले से खसूसी प्रोमो जारी कर दिया। प्रोमो में कोविड से नबर्द आजमा मेडिकल के शोबे से वाबस्ता पाकिस्तानी माओ के अजमो हौसले को सलाम पेश। तारीख वरसे चौबुर्जी का तहफ्फुज यकीनी बनाने का मिशन महकमा आसार कदीमा की जानिब से तज़ीन व आराइश जारी। हुकाम का कहना है कि काम मुकम्मल होने के बाद चौबुर्जी को अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। और कौमी ख्वातीन क्रिकेटर्स के ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट लेने का फैसला। ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट 20 मई तक जारी रहेंगे। टेस्ट लेने का मकसद क्रिकेटर्स का फिटनेस मयार बरकरार रखना है।